हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग विंटेज गाड़ी। और आज मैं आपको बजाज चेतक क्लासिक एसएल में स्कूटर में मिरर अलाइन करना और रिप्लेस करना सिखाऊंगा। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि ये जो बजाज चेतक क्लासिक एसएल सेल्फ स्टार्टर वाला आया था, इसमें मिरर चेतक से अलग तरीके से लगता है और फिट होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बजाज क्लासिक एसएल, इसमें मिरर अलग था चेतक से, नॉर्मल चेतक से। तो ये इसका ओरिजिनल मिरर है, ऐसा गोल सा, और मैं इसका नट भी आपको दिखा देता हूँ नीचे से कैसा दिखता है ये। और इसको सबसे बड़ी एल की लगती है, और आपको एल की कहाँ लगानी है, यहाँ पर लगती है इसकी एल की। तो यहाँ पर इसकी एल की लगती है। और दूसरी चीज़, ये एल की आपको इसी तरीके से लगानी है, लंबी वाली साइड बाहर को होनी चाहिए और छोटी वाली साइड अंदर को फंसाने के लिए। अब मैं अपना कैमरा लगा देता हूँ स्टैंड पे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसको ढीला करने के लिए एंटी मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा ऐसे। अब मेरा जो नट है वो खुल चुका है, और अब मैं इसको ढीला कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ही आपको ये मिरर खोलना है। इसके बाद मैं आपको इसके अलाइनमेंट, मिरर की अलाइनमेंट भी करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे अलाइन करना है और फिक्स करना है इसको। तो मैं इसको खोलता हूँ फटाफट। तो दोस्तों, मेरे जो नए शीशा है उसमें रबड़ नहीं है, तो मैं इसका ये रबड़ निकाल रहा हूँ और उस नए शीशे में वो रबर लगा दूंगा। ये रबर बहुत ज़रूरी होता है ताकि बारिश का पानी आपके हैंडल के अंदर ना जा पाए, उससे बचाता है। तो दोस्तों, ये ऐसा दिख रहा है हैंडल मिरर निकालने के बाद, और ये मैंने नए मिरर पे रबर फिट कर दिया और ये ऐसे लगता है। तो अभी मैं इसको फिट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको पहले नीचे से नट लगा के वो शुरू में थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट अभी आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ा टाइट पहले कर दूं और फिर इसकी अलाइनमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि आपको अपना शीशा कैसे टाइट करना है, किस पोजीशन पे टाइट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको वैसे ही चाबी लगानी है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैं अभी शुरू में थोड़ा सा लूज छोड़ूंगा इस शीशे को, ताकि मैं इसको एकदम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अलाइन कर सकूं। सो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, मेरा शीशा थोड़ा टाइट हो चुका है। अब मैं इसको बैठ के देखूँगा और इसको अलाइन करने की कोशिश करूँगा। तो बैठ के, जैसे मेरे को थोड़ा पीछे देखने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा गर्दन घुमानी पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस शीशे को थोड़ा सा लूज़ करके थोड़ा सा पीछे लूँगा, इतना काफ़ी होगा। थोड़ा सा फिर से मैं टाइट कर रहा हूँ, और अब मैं फिर से बैठ के इसको चेक करूँगा कि मेरे को ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, गर्दन घुमानी तो नहीं पड़ रही पीछे देखने के लिए। तो अब मुझे
और मैं अपने शीशे को भी थोड़ा एडजस्ट करूँगा, क्या एडजस्ट हो जाता है, मेरे को वाइड व्यू दिख रहा है पीछे का, ज़्यादा व्यू से ज़्यादा देखने की कोशिश मिल रहा है व्यू, मैं वो चेक कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस शीशे को घुमाकर उस हिसाब से कि ये इसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये पोजीशन ठीक है इसकी। अब मैं इसको इस पोजीशन पे टाइट कर दूंगा और अच्छे से पकड़ के इसको एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, और मेरे को लगता है टाइट हो गया है। एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ इसको बैठकर, तो हाँ, तो मेरा शीशा एकदम टाइट है। एक बार और थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है ये टाइट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा हैंडल, और मैं आपको लॉक खोल के दिखाता हूँ आप हैंडल। तो जैसे कि मैं अपना हैंडल अब सीधा पोजीशन पे लेता हूँ, तो सीधा पोजीशन पे हम आराम से जब बैठे हमें ज़्यादा गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और हमें जो पीछे वाला टायर है वो आप आराम से दिखे, एक कॉर्नर पे मिरर की पहली कॉर्नर पे टायर दिखे और बाकी साइड का व्यू आराम से दिखे। हमें ऐसे मिरर को अलाइन करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस स्कूटर के मिरर चेंज करने पर। अगर आपके पास भी ऐसा रेयर स्कूटर सेल्फ स्टार्टर वाला बैटरी वाला है तो कमेंट करके बताइए, और आप इस पे कोई वीडियो चाहते हैं जैसे इसकी सेल्फ स्टार्टर या वायरिंग पे, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।